हमारा किसान जो सत्याग्रह चलने वाला है महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक, ये सत्याग्रह निकालने के पीछे मुख्य मुद्दा है। डॉक्टर रमन सिंह ने 2008-09 से लेकर 17 तक 10 साल तक उन्होंने बोनस का वायदा किया था, उसको चुनावी वर्ष में 2 वर्ष दिया, 8 वर्ष का नहीं दिया। उसी तरीके से मुफ्त बिजली वाली बात है 5 आर्स पावर तक, उससे मुकर गई और शर्त पर शर्त लगाने लगे। और तीसरा उन्होंने किया था बिना ब्याज का ऋण वाली बात। उसके बाद जब 13 का चुनाव हुआ तो उन्होंने 270 रुपये बोनस को 300 कर दिया, फिर लालच बढ़ा दिया किसानों में, और सबसे बड़ा लालच दिया किसानों से कि ये 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे और किसानों का दाना दाना धान खरीदेंगे। इन सब वादों से वो मुकर गई, केवल वादा करना जानती है, किसानों के साथ छल कर रही है। इसलिए हम लोगों ने एक तरफ तो 15 दिवसीय हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के 3000 गांवों में 14 जिला में भ्रमण करके किसानों में गांव-गांव जाके जागृति पैदा किया कि इस वर्ष आप लोग धोखा नहीं खाना, अगले वर्ष उनका चुनाव उनकी मजबूरी है। यही हम लोगों के लिए, किसानों के लिए सुनहरा अवसर है कि हम सरकार पर ज़्यादा दबाव डाल करके बाकी वादा को भी पूरा कराएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक के किसान सत्याग्रह हम लोग चलाने वाले हैं। वो कृषि उपज मंडी रायपुर से सीधे 12:30 बजे राज्य के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय की ओर कूच करेंगे। डेली अलग अलग सेनापति रहेंगे, अलग अलग ग्रुप रहेगा, सैकड़ों के तादाद में प्रतिदिन रहेंगे। वैसे पूरे किसान सत्याग्रह में हजारों हजार किसान भाग लेंगे, और जब तक कि अपना ये दबाव के कारण 2 साल का बोनस का घोषणा किया है, वो एक तो 2016 वाला है और 2017 का जो धान खरीदेंगे, एक तो अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए किसानों को उससे लाभ नहीं मिलने वाला। हम लोगों का कहना है पूरे छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा है, इसलिए किसानों को समस्त कृषि ऋण माफ़ करना चाहिए और 2100 समर्थन मूल्य वाली बात, और बोनस जो 2 साल दिए हैं उसको कम से कम 5 साल का दें। इस पर दबाव बनाने के लिए ही हम लोगों ने 10 दिवसीय किसान सत्याग्रह का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और इसको दबाव पूर्ण ढंग से जागेश्वर प्रसाद प्रांतीय प्रवक्ता छत्तीसगढ़ समिति किसान मोर्चा यहीं पर खड़े।